अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। इब्नुल अरबी की मौत और वो अमानतें रोशन करेंगी हमारी राहें। पूरा भरोसा है मुझे तुम पर। तुम आज के बाद से यहां किसी भी मामले में टांग नहीं अड़ाओगी और ना ही कोई तुमसे किसी भी किस्म की सलाह लेगा। अर्तुरुल का सर कलम करके किले के दरवाजे पर लटकाने की पेशकश करता हूं। मुट्ठी भर बहादुरों और मामूली गुजर औकात करने वाला कबीला है हमारा। हम आपको इससे ज्यादा नहीं दे सकते। मैं तैयार हूं उस्ताद आसम, अपने भाइयों की तरह मुसलमानों के खिलाफ हाजिर हो। शहजादा नुमान भी जान लेंगे एक दिन के अल अजीज ने किस तरह उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। बाबा को मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी अर्तुरुल। बाबा इज्जत हो रहा मेरी बच्ची। या रब तेरा शुक्र है वाली। आओ बेटा बैठो यहां। अपने सफर में क्या देखा तुमने? तुम्हारे पास क्या खबरें हैं? तुर्किस्तान से आ रहा हूं मैं। चंगेज खान और उसके लश्कर ने तबाही मचा दी है। बहुत सा जुल्म और ज्यादती देख चुकी है मेरी ये आंखें। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कुफर तो जारी रह सकता है मगर जुल्म नहीं। जुल्म के खात्मे के लिए बहुत जल्द एक रहनुमा आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हजरत ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। मैं जाकर दरवेश की मदद करता हूं। से कौन बचा सकता है? अल्लाह के सिवा बचाने वाला कौन है? लकुम दीनकुम वलिया दीन। तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ और मेरा दीन मेरे साथ है, मगर मुझे इस जुल्म से निजात के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मैं अपनी चचा की शैतानी रातों को अच्छी तरह जान गई हूं। चाहे कुछ भी हो जाए बाबा, आपकी मदद जरूर करूंगी मैं। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं मेरी बच्ची। मुझे ख्वाब में शेख इब्नुल अरबी की ज्यारत हुई। उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे वो लोग। चचा और कार्डिनल उनका संदूक हासिल करके मारना चाहते हैं उन्हें। वो क्यों इतनी नफरत करते हैं उनसे और आपसे? काफिरों के लिए जहन्नुम में आग का अजाब तैयार है। ये चारों तरफ से आग की लपेट में होंगे। शेख इब्नुल अरबी ने ख्वाब में आकर मुझे कहा कि काई कबीले को बचाना है। मैंने उनसे पूछा कि
जिंदान में रहते हुए ये कैसे मुमकिन होगा? उन्होंने कहा, जब वक्त आएगा तो तुम जान जाओगे, और तुम्हारी सूरत में वो वक्त आ गया है मेरी बच्ची। तुम्हें पेट्रोशियो से तुरगुत को बचाना है मेरी बच्ची। कहाँ है वो मुकद्दस इमारत? किधर है? जल्दी बताओ कहाँ है वो अमानत? पीर हजरत, या अल्लाह, बदबخت कौन था? वो एक शिकारी था जो अपनी जाल में फंस गया। नसीब अच्छा था इसका जो बच गया। चलो यहां से। इश्क मेराज पाने वाला है, या रब इन्हें कभी जुदा न करना, इनकी मोहब्बत को सदा कायम रखना, सालेह औलाद अता करना, अपनी रहमतों के साये में रखना, इन्हें सरबुलंदी इस्लाम का जरिया बनाना इनको। आमीन आमीन।
अब कहाँ जाएंगे आप? अगर आप हमें मेहमान कबूल करें तो आपके कबीले चलते हैं। शरफ होगा मेरे लिए, फैजियाब होंगे। सलामत रहो। भाई वो भाग गया। कोई बात नहीं, दोबारा मिल जाएगा। ठीक हो तुम? सुबह बखैर दमीर भाई। शुक्रिया है मखान। बैठिए बैठिए। आई किसके लिए लाई थी ये? मैं इससे जल्द से एहतियाब हो जाएगी। अल्लाह खुश रखे आपको। आई किस से बात हुई सलजान के बच्चे के बारे में? जी हाय मखानम, हुई थी बात। क्या कहा उसने फिर? खामोश क्यों है दमीर भाई, कहिए। जो भी बात है बिला झिझक बताइए मुझे आप। वो आइकिस पे चढ़ दौड़ी और उसको मारा भी। उसके उम्मीद से होने की वजह से आइकिस उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन सलजान ने उसे बाजू से पकड़कर धक्का दिया। आइकिस ने बाजू छुड़ाया तो सलजान का तवाजन बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर गई। बाकी बात आपको मालूम है। आखिर आइकिस से वो क्या पूछना चाहती थी बताइए मुझे दमीर भाई, क्यों खामोश हैं आप? गड़े मुर्दे उखाड़ रही है वो हाय मखानो। अपने बाप अल्प तकिन के कत्ल का जिम्मेदार हमें समझती है। अल्प तकिन, क्या हुआ है मखानम? कुछ हुआ है क्या? बाहर जाओ तुम। अब क्या हो गया? काम से तो पहले ही आपने मुझे हटा दिया है, अब क्या गुंडोगदू को भी मुझसे छीन लेना चाहती है? अगर तुम्हारी गलीज साजिशें और तुम्हारा फरेब और मकर मेरी औलाद का दामन दागदार करने लगे तो हाँ, मैं तुमसे अपना बेटा छीन लूंगी और तुम्हें जंगल में फिकवा दूंगी। जो कहना है कह ले, वरना गुस्सा अंदर रह गया तो नासूर बन जाएगा। लगता है किसी ने मेरे खिलाफ आपके कान भर दिए। अगर मेरा घर बर्बाद हुआ तो किसी को नहीं छोड़ूंगी, याद रखिए। किस लिए पुराने जख्म को रेत रही हो? हाँ? पुराने जख्म तो भर चुके थे, मगर आपकी तरह बेहिस नहीं हूं मैं। ताजा जख्म जो मिला है वो मेरे बच्चे की मौत का है। मरने वाले यादों में तो जिंदा रहते हैं, लेकिन भूलूंगी नहीं मैं अपने बच्चे के कातिल को आखिरी सांस तक। तो फिर ये अल्तकिन की बात कहां से आ गई? पापा का क्या ताल्लुक? ख्याल रखना, यही आसपास भटकती रहती है उसकी रूह। सुना तो यही है। कहने वाले तो जाने क्या क्या ऊट पटांग कहते फिरते हैं एक दूसरे से। ये भी कहते सुना कि अपने बच्चे को खुद ही मार दिया मैंने। वालिदा क्या हुआ? तुम्हारी वालिदा अपने मरहूम पोते की मौत की वजह जानने आई है, लेकिन शायद किसी ने गलत खेमा बता दिया इन्हें। सलजान। वालिदा। सलजान क्या कह रही है? कुछ नहीं कह रही, जाने दो। ऐसे नहीं, आपको बताना होगा कि बात क्या है। एक मां को उसके बच्चे की मौत का जिम्मेदार आप कैसे ठहरा सकती हैं? कुंदोक तो सुकून चाहती हूं मैं बेटा, इसके सिवा कुछ भी नहीं। हम सब भी तो सुकून चाहते हैं, मगर यहां सुकून है कहां? जब से वो लड़की यहां है ये कबीले का सुकून बर्बाद हो गया है। अंदाजा भी है आपको?
जिस दिन से उन्हें पना दी है एक लम्हा भी सुकून का गुजरा होता आराम है। आखिर अर्तुरुल चाहता क्या है, क्यों सलजूक के शहजादे के पीछे पड़ा हुआ है, कभी सोचा आपने? क्योंकि अर्तुरुल अब सियासत के पुरखतर रास्ते पर चल पड़ा है। सुकून महज ख्वाब है हमारे लिए। क्या बात है? नहीं कुछ नहीं। अगर मैं ये समझने के काबिल नहीं कि मेरी शरीके हयात किस दुख का शिकार है, तो ना ही मैं अच्छा शौहर हूं और ना ही अच्छा सरदार हूं मैं। सलजान से बात हो गई। क्या कहा उसने? वो अर्तुरुल और हलीमा के बारे में जानती है। तो कौन नहीं जानता ये बात? सुलेमान, कबीले का हर फर्द मुंतजर है आपके मुंह से इस बात की तस्दीक के लिए। आप जो भी फैसला करेंगे उससे या तो गुंदोगतु का सुकून बर्बाद होगा या अर्तुरुल का। गुंदोगतु भी क्या सुलजान की तरह सोचता? हाँ बिल्कुल सुलेमान, अब आप क्या करेंगे? हमें अर्तुरुल का इंतजार है। अगर वो हलीमा को साथ ले आया? सरदार, वही हुआ जिसका डर था मुझे अलपरगो। वो देखो जिस अंदाज से घोड़े पर सवार होकर आ रहा है, अगर इसे मौका मिल गया तो ये पूरे बाइजेंटाइन पर काबिज हो जाएगा। और अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो काई कबीले का नया सरदार यही होगा। क्या क्या जानते हैं कि क्या कह रहे हैं आप? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर हमने अब भी कुछ न किया तो ये बदबख्त काई कबीले का अगला सरदार बन जाएगा। मेरे जंगजू आपका ख्याल रखेंगे, मैं कुछ देर में हाजिर होता हूं। बहुत शुक्रिया।
खुशी हुई तुम्हें देखकर। मुझे भी वालिदा। खुश आमदीद बेटी। बहुत शुक्रिया है मखानम। सुलेमान, आपकी इजाजत से हलीमा सुल्तान सलाम के लिए हाजिर होना चाहती हैं। खुश आमदीद हलीमा सुल्तान। आपकी दस्तबोसी की इजाजत चाहती हूं मैं। जीती रहो बेटी। मोहतरम सरदार, मेरा शहजादी होना आपके सामने मायने नहीं रखता कोई। मासी में आपने हर खतरे का सामना करते हुए मेरी और मेरे खानदान की जानें बचाई। मेरी नजर में आपका एहतराम हमेशा एक बाप की हैसियत से रहेगा। हमेशा खुश रहो। आयमा आपका ख्याल रखेंगी। आ जाओ बेटी। आखिर शहजादी हलीमा को दुश्मनों के पंजों से छुड़वा कर ले ही आए। सब दुश्मनों को धूल चटा दी, अपनी तलवार से काट कर रख दिया। ये क्या बोले जा रहे हो? लगता है खुशी में पागल हो गए हो तुम। ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है। अब तुम सुलजान भाभी का हंगामा देखना। सरदारों की बातें हमारी समझ में नहीं आती। चलो चलकर एक दुम्बा जिबा करते हैं। इतनी ज्यादा भूख लग रही है कि दुम्बा क्या ऊंट भी खा जाऊं मैं आज। माशाल्लाह क्या बात है तुम्हारी। मगर पहले शेख साहब को उनके खेमे में छोड़ाते हैं और उसके बाद जाकर नासिर को भी इस खबर से आगाह करते हैं कि उसके साथ क्या होने वाला है, और फिर तुम्हारी भूख का इंतजाम करते हैं। चलो आइए, तशरीफ लाइए। हाँ तो अर्थरूल, क्या हुआ वहां बताओ। बाबा अगर इजाजत हो तो कमांडर गुनहान आपसे मिलना चाहता है। अंदर बुलाओ उसे। गुनहान को अंदर भेजें। खैरियत है कमांडर? ताज्जुब हो रहा है मुझे कि तुम इस बार तलवार लहराते हुए दाखिल नहीं हुए। मैं यहां आपसे और दीगर सरदारान कबीला से माजरत करने आया हूं। ना सिर्फ अपनी जानिब से बल्कि आली जा इज्जत माब अमीर की जानिब से भी माजरतनामा साथ लाया हूं। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आपके पड़ाव के अतराफ से मुहासरा हटा लिया जाएगा, और इसी जिम्मन में जो नुकसानात आपको हमारी फौज की वजह से उठाने पड़े उन नुकसानात का अजाला हलब की जानिब से जरूर किया जाएगा। शहाबुद्दीन, अमीर अली जाने अपने मकतूब में आपके लिए परवाना आजादी भेजा है और फौरी तौर पर आपको अपना मनसब संभालने का कहा है। ये आपकी मोहर? और ये फरमाने शाही?
और अब उस नासिर शैतान का क्या करना है? आ गए हम लोग। तुम हमारा दीदार किए बगैर नहीं मर सकते। वैसे तो तुम्हें मालूम हो गया होगा नासिर, अल अजीज ने सुलेमान शाह को मकतूब लिखा है। बताओ इसे क्या लिखा है? शायरी है। क्या खूबसूरत शायराना मकतूब लिखा है। वाह भाई वाह। वजीर आजम शहाबुद्दीन को उनके ओहदे पर बहाल कर दिया गया है। कमांडर कुनहान भी यहां से रवाना हो गया है अपने लश्कर के साथ। इबरतनाक मौत के लिए तैयार हो जाओ तुम लोग। हमारी फिक्र मत करो तुम। हमें अल्लाह के सिवा किसी से डर नहीं लगता। हम तो ये बताने आए हैं कि तुम्हारा अंजाम बहुत करीब है। चलो अब हमें बता भी दो तुम्हें कैसी मौत चाहिए नासिर। क्या तुम अफ्तालिया की तरह जलकर मरना चाहोगे? या फिर जैसे अर्तुरुल भाई को तुमने धमकी दी थी अपने खंजर से उनके टुकड़े टुकड़े करने की? या अपने साथियों की तरह जहर खाकर तड़प तड़प कर जान दोगे अपनी? मैं बताऊं तुम्हें, तवज्जा हो मेरी तरफ। कबीले के मौजज़ीन और कबीले के तमाम इज्जतदार बहनों और भाइयों, मेरे जंगजुओं, बहुत अरसे से हमारा कबीला बेशुमार मुसाइब के खिलाफ डटा रहा है। हमने बहुत सी जंगें लड़ी है, कई दुश्मनों का मुकाबला किया है, कितने ही जालिमों को पसपा किया है। आज आलम इस्लाम में फितना अंगेजों ने झूठी साजिशें करके भाई को भाई से लड़वा दिया है। चंगेज खान के लश्कर ने बेशुमार शहर खंडर बना दिए हैं, जैसे समरकंद और बुखारा। उस जालिम के लश्कर ने इन शहरों में जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए और सलीबी दहशतगर्द मुसलसल हमसे बरसरे पेकार हैं। वो हमें खत्म कर देना चाहते हैं। हम परवरदिगार से दुआ करते हैं कि आलम इस्लाम में इत्तेहाद पैदा कर और इस्लाम के परचम को सर बुलंद कर दे। आमीन। ये दुनिया फिर से हमारे उरूज की मुंतजर है, ताकि अदलो इंसाफ कायम हो और इस्लाम का बोलबाला हो सके। काई कबीले के बहादुर सिपाहियों, आज से कोई भी तलवार नयाम में नहीं रहेगी। आज से सिर्फ हम दिफा नहीं बल्कि पेशकदमी करेंगे। हर शख्स जंग के लिए तैयार रहे। अर्तुरुल, हलब में तुम पे जुल्म करने वाले इस गद्दार को सजा भी तुम ही दोगे। ये तुम्हारा हक है। जिसके हाथ तलवार, फतह भी उसी की होती है। और जो फाते होता है, सरदारी भी उसी को मिलती है। गुंदूक तो
अल्लाह हमें महफूज रखे शर से। या अल्लाह पाक तू रहीम है, तू चाहे तो इस बंदे को बख्श दे। इसे रोकते क्यों नहीं? बहुत हो गया टाइटस, बस करो। मेरे भाई यहूदा, तैयार हो तुम? तैयार हूं मैं। तो फिर उठो। अफसिन भाई, आपकी उम्र का लिहाज करते हैं लेकिन आपकी बातों पर यकीन नहीं है हमें। जैसा तुम मुनासिब समझो, मगर हमें मोहतात रहना होगा। टाइटस जल्द तुर्गुत को लाने वाला है, मगर एहतियात करना बेहतर है। तैयार हो तुम लोग? मैं तो हर वक्त तैयार रहता हूँ। खुदावंद की लिखी तकदीर से फरार मुमकिन नहीं। अर्तुरुल भाई, इसके जाने से पहले अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस खबीस की हड्डियों का सुरमा बनाना चाहता हूँ। इसकी सलामती का वादा है अफसर पाशा, अगर उनकी तरफ से वादा खिलाफी हो तो जैसा चाहें सलूक करें। चलो तुम लोग जाओ, और अगर किसी किस्म का खतरा हो तो इशारा कर देना हमें।
इनका कोई एतबार नहीं, ये लोग कोई भी घटिया चाल चल सकते हैं। होशियार रहेंगे हम। भाई ख्याल रखिएगा। तुम भी दुआन ध्यान रखना। हमें यहां से आगे पैदल चलना होगा। पता नहीं भाई ने इसकी बातों पर यकीन कैसे कर लिया। वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। पापा आजम को तुमने कत्ल किया है? अफसिन ने बताया है तो शोहरत यहां तक पहुंच गई मेरी। कुस्तुंतुनिया में मुलाकात हुई थी मेरी अफसिन से। मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं अर्तुरुल। शहजादे नोमान को आखिर कौन कत्ल कर सकता है? क्या पता शायद ये काम उस अफसिन का भी हो सकता है। यहूदा के साथ यहां से आगे मैं अकेला जाऊंगा।
आ रहे हैं वो साहिर है आएंगे उनके लिए कीमती हूं मैं। मेरे नजदीक तुम मजलूम ईसाइयों का खून चूसने वाली एक जोंक के अलावा और कुछ भी नहीं। अल्लाह करे इसमें इनकी कोई चाल ना हो। ये क्या कह रहे हो तुम? बस बहुत हुआ, जब से आए हो उल्टी सीधी बातें किए जा रहे हो। देख नहीं रहे वो खुद तुरगुत भाई को लेकर आया है। अगर उसने कोई चाल चली तो अर्तुरुल भाई उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं उसे। ये भी मुमकिन है कि उनकी चाल तुरगुत ही हो। यकीन मत करो इस पर। फिर मिल ही गए तुर्क। भाई उस मनहूस की वजह से मजीद जिंदगियों के चराग गुल होने से बचा लें। दिल को मजबूत करें और उसे इस कबीले से दूर भेज दें। हलीमा कितने शर्म की बात है ये, तुम अभी भी सिर्फ अपने ही बारे में बात कर रही हो। सलीबियों की कैद में है मेरा तुर्कुत। सलजूक रियासत के हिस्सेदार बनने जा रहे हो तुम, बाबा की क्या अहमियत है? और दूसरी तरफ कुकचे तुम्हारी मोहब्बत में खुली जा रही है, तुम्हें क्या?